नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑडियो आर्टिकल के अंतर्गत जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स पर चर्चा करेंगे। इस अंक में हम जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, इनको निर्धारित करने वाले मानदंड कौन से होते हैं, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, होप स्पॉट्स किसे कहते हैं, इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूएन के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए गए हैं, ये सब इस आर्टिकल में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये आर्टिकल। सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता पद का सर्वप्रथम इस्तेमाल वन्य जीवन वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डेसमैन द्वारा 1967 में अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में किया गया था। जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। इसके समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी पृथ्वी या धरती के पर्यावरण संबंधित स्थिति के तालमेल को बनाए रखें। जैव विविधता का संबंध, जिसे हम जैविक विविधता भी कह सकते हैं, मुख्य रूप से भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। भारत में दुनिया का केवल 2.4% भूभाग है, जिसके 7 से 8% भूभाग पर विश्व की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियों की समृद्धि के मामले में भारत स्तनधारियों में 7वें, पक्षियों में 9वें और सरीसृप में 5वें स्थान पर स्थित है। विश्व के 11% के मुकाबले भारत में 44% भूभाग पर फसलें बोई जाती हैं। भारत के 23.39% भूभाग पर पेड़ और जंगल फैले हुए हैं। पर्यावरण के अहम मुद्दों में से आज जैव विविधता का संरक्षण एक अहम मुद्दा है। राष्ट्रों, सरकारी एजेंसियों और संगठनों तथा व्यक्तिगत स्तर पर जैविक विविधता के संवर्धन और उसके संरक्षण की बड़ी चुनौती उपस्थित है। साथ ही साथ हमें प्राकृतिक संसाधनों से लोगों की जरूरतों को भी पूरा करना होता है। 22 मई दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। हॉटस्पॉट जैव विविधता वाला एक ऐसा भौगोलिक जैविक क्षेत्र है जिसे मनुष्यों से खतरा रहता है। विश्व भर में ऐसे 25 आकर्षण के केंद्र या हॉटस्पॉट हैं और इन केंद्रों में विश्व के 60% पौधों, पक्षियों, स्तनपायी प्राणियों, सरीसृपों और उभयचर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक हॉटस्पॉट आज खतरे के दौर से गुजर रहा है और अपने 70% मूल प्राकृतिक वनस्पतियों को खो चुका है। आइए अब समझते हैं इन हॉटस्पॉट्स को निर्धारित करने वाले मानदंड कौन कौन से हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। उष्णकटिबंधीय जंगल पर शोध करते हुए यह पाया गया कि पौधों की प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास भी विलुप्ति की ओर जा रहे हैं। हॉटस्पॉट्स को निर्धारित करने के मानदंड इस प्रकार हैं। इसमें कम से कम 1500 संवहनीय पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में ना हो। दूसरे शब्दों में हॉटस्पॉट अपरिवर्तनीय हो। दूसरा, ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो। आइए अब जानते हैं विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं। जैव विविधता न केवल पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित है, बल्कि विश्व के कुछ क्षेत्र भी जैव विविधता के मामले में अतिरिक्त समृद्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम मेगा डाइवर्सिटी रीजन या हॉटस्पॉट कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के हॉटस्पॉट या आकर्षण केंद्रों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है अफ्रीका। यहाँ पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका का हॉर्न, मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, मैपुटोलैंड, पोडोलैंड, अल्बानी हॉटस्पॉट, सिक्रुलेट करो, पूर्वी मालनेशियन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका के केप फूलवादी हॉटस्पॉट, पूर्वी अफ्रीका के तटीय जंगलों में ये हॉटस्पॉट्स आते हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ हिमालय हॉटस्पॉट, पूर्वी हिमालय, जापान जैव विविधता हॉटस्पॉट, दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट, फिलीपीन जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत के पश्चिमी घाट और श्रीलंका के द्वीप समूह, हवाई सहित पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप परिसर और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इस हॉटस्पॉट्स के क्षेत्रों में शामिल हैं। अब बात करते हैं उत्तरी और मध्य अमेरिका की। इसमें आते हैं कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, कैरिबियाई द्वीप हॉटस्पॉट, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको सीमा के मॉडर्न पाइन ओक लकड़ी की भूमि और मेसो अमेरिकन जंगल। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ ब्राजील के सेराडो, चिली सर्दी वर्षावन, टुम्बस चोको मगदालेना,
उष्णकटिबंधीय एडीज और अटलांटिक जंगल इसके अंतर्गत शामिल हैं। यूरोप और मध्य एशिया की बात करें तो इन क्षेत्रों में काकेशस क्षेत्र, ईरान अनातोलिया क्षेत्र, भूमध्य बेसिन और इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा मध्य एशिया के पर्वत शामिल होते हैं। विश्व भर में ऐसे 34 हॉटस्पॉट या आकर्षण के केंद्र हैं। इन केंद्रों में विश्व के 60% पौधों, पक्षियों, स्तनपायी प्राणियों, सरीसृपों और उभयचर प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक हॉटस्पॉट आज खतरे के दौर से गुजर रहा है और अपने 70% मूल प्राकृतिक वनस्पति को खो चुका है। इसलिए स्थानिक प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। आइए अब देखते हैं कि भारतीय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें पहला आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में अरब सागर से अलग होती है। पूर्व में शुष्क डेक्कन पठार और विंध्य सतपुड़ा उत्तर तक सीमित है। उनके पास विभिन्न वनस्पतियां प्रकार होते हैं। कम ऊंचाई पर सूखे और नम पर्णपाती जंगल, मोंटेन घास के मैदान और शॉल्स, कीमती उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगल यहाँ उपस्थित हैं। जटिल स्थलाकृति, उच्च वर्षा ने क्षेत्र को अपनी जैव विविधता बरकरार रखने में मदद की है। भारत में 15,000 फूलों के पौधों की प्रजातियों में से पश्चिमी घाट क्षेत्र में अनुमानित 4,780 प्रजातियां मौजूद हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट में कम से कम 6,000 वेस्कुलर प्लांट्स की प्रजातियां हैं, जिनमें से 3,000 से अधिक एंडेमिक हैं। 80 से अधिक एंडेमिक पौधे जेनेरिया भी हैं, इनमें से कई में केवल एक प्रजाति मौजूद है। अगला हॉटस्पॉट क्षेत्र है इंडो बर्मा या पूर्वी हिमालय। हॉटस्पॉट में लोअर मेकोंग कैचमेंट है। ये पूर्वी बांग्लादेश में शुरू होता और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में उत्तर पूर्वी भारत में फैला हुआ है, जिसमें चीन के दक्षिणी और पश्चिमी यूनान प्रांत के सभी, म्यांमार, लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड का विशाल हिस्सा और प्रायद्वीपीय मलेशिया का एक छोटा सा हिस्सा सभी शामिल हैं। इसके अलावा हॉटस्पॉट दक्षिणी चीन के तटीय निचले इलाकों, साथ ही दक्षिण चीन सागर जैसे कि हिनान द्वीप और अंडमान द्वीप समूह के कई अपतटीय द्वीपों जैसे कि अंडमान सागर हॉटस्पॉट लोअर मेकोंग कैचमेंट में शामिल हैं। मिश्रित नम सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और माउंटेन जंगलों सहित इस हॉटस्पॉट में पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत विविधता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्रस्ट चूना पत्थर के बाहर निकलने के लिए स्क्रबलैंड और वुड्सलैंड्स के पैच भी हैं और कुछ तटीय क्षेत्रों में स्कैटर्ड हीथ जंगल भी मौजूद हैं। इसके अलावा भारत बर्मा में विशिष्ट स्थानीकृत वनस्पति संरचनाओं की एक विस्तृत विविधता होती है, जिसमें निम्न भूमि, बाढ़ के मैदानों, मैंग्रोव और सीजनल इनंडेटेड ग्रासलैंड शामिल हैं। इंडो बर्मा में 1,260 से अधिक पक्षी प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें से 60 से अधिक एंडेमिक हैं। हॉटस्पॉट में लगभग 430 स्तनपायी प्रजातियां हैं, जिनमें से 70 से अधिक प्रजातियां और 7 प्रजातियां एंडेमिक हैं। इंडो बर्मा दुनिया में ताजे पानी खचुओं की उच्चतम विविधता का भी समर्थन करता है, जिसमें 53 प्रजातियां दुनिया की प्रजातियों में से 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। इंडो बर्मा उन पहले स्थानों में से एक है जहां मानवों ने कृषि विकसित की थी और कृषि तथा अन्य जरूरतों के लिए भूमि को साफ करने के लिए अग्नि का उपयोग करने का यहाँ लंबा इतिहास भी रहा है। मानव आबादी और बाजार दोनों के विस्तार के साथ हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। अगला हॉटस्पॉट है हिमालयन हॉटस्पॉट। हिमालयन हॉटस्पॉट में भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के पर्वतीय प्रदेश शामिल हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत की चोटियां भी इसी हॉटस्पॉट्स में सम्मिलित हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हिमालय पर्वत श्रेणियों में भारी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। आइए अब समझते हैं होप स्पॉट या समुद्री संवेदनशील क्षेत्र क्या होते हैं। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट की संज्ञा प्रदान की गई है। इस अवधारणा के जनक सेल्विया को माना जाता है। उन्होंने मिशन ब्लू के तहत समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का एक वैश्विक संजाल वर्ष 2009 में तैयार किया था, जिसका उद्देश्य सतत विकास की प्रक्रिया में सहायता करना था। अक्टूबर 2013 फ्रांस में संपन्न तीसरी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस का आयोजन फ्रांसीसी समुद्री क्षेत्र एजेंसी और IUCN द्वारा आयोजित किया गया। इसमें 31 नए हॉटस्पॉट चयनित किए गए और वर्तमान में इनकी संख्या 50 है। इसमें भारत में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल हैं।
ये दोनों भारत में चिन्हित दो हॉटस्पॉट हैं। यहाँ ध्यान रखने वाला बिंदु यह है कि हॉटस्पॉट और होपस्पॉट दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। आइए अब समझते हैं कि इन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स पर मानवीय प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है। जैविक वैज्ञानिक को समर्पित पत्रिका PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली लगभग 84% प्रजातियों पर मानवीय प्रभाव परिलक्षित होते हैं। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के जेम्स एलन के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जैव विविधता हॉटस्पॉट पर मानवीय प्रभाव का अध्ययन किया। यह अध्ययन 5,457 संकटापन्न प्रजातियों पर आधारित है, जिसमें से 1,277 स्तनधारी, 2,120 पक्षी और 2,060 उभयचर शामिल हैं। टीम ने 8 मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का मानचित्रण किया। इन 8 गतिविधियों में शिकार और कृषि के लिए प्राकृतिक आवासों का रूपांतरण किया जाना भी शामिल है। 1,237 प्रजातियां अपने 90% से अधिक आवासों में और 395 प्रजातियां अपनी संपूर्ण सीमा में मानवीय गतिविधियों से प्रभावित है। इनमें से 72% प्रजातियां हॉटस्पॉट से गुजरने वाली सड़क मार्गों कारण प्रभावित होती हैं, वहीं सबसे अधिक 3834 प्रजातियां प्राकृतिक आवासों के कृषि भूमि में रूपांतरण के कारण प्रभावित हुई हैं। औसत 125 प्रभावित प्रजातियों के साथ मलेशिया अत्यधिक प्रभावित प्रजातियों वाले देशों में पहले स्थान पर मौजूद है। भारत में औसत 35 प्रजातियां प्रभावित हैं और ये 16वें स्थान पर है। दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें भारत के पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व हिमालय शामिल हैं, प्रभावित प्रजातियों के हॉटस्पॉट हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट में प्रभावित होने वाली प्रजातियों की औसत संख्या 60 है। वहीं हिमालय उपोष्णकटिबंधीय विस्तृत वन में औसत 53 प्रजातियां प्रभावित हैं। आइए अब जानते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। वन्य जीव जंतु और फ्लोरा की विलुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन यानी साइट्स पर 3 मार्च 1973 को Washington DC में हस्ताक्षर किए गए थे। साइट्स का उद्देश्य वन्य जीव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है। विश्व संरक्षण संघ ICN विश्व स्तर पर देशों, सरकारी एजेंसियों, विभिन्न प्रकार की गैर सरकारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करता है। खाद्य और कृषि के लिए अनुवांशिक संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संधि पर नवंबर 2001 में रोम में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कृषि के लिए सभी संयंत्र अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी रूपरेखा बनाने के लिए अपनाया गया था। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 एक बहुपक्षीय संधि है। इस संधि के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण, उनके घटकों का नियंत्रित प्रयोग और उनसे होने वाले लाभ के निष्पक्ष और समान वितरण शामिल हैं। आइए अब देखते हैं आज के आर्टिकल से जुड़ा हुआ UPSC प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न क्या है। भारत में कौन कौन से क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल हैं? पहला हिमालयन हॉटस्पॉट, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट क्षेत्र, चौथा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। हमें उम्मीद है आज का ये आर्टिकल आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सहायक रहेगा। यदि आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें। निर्माण IAS के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।